अभी लॉन्च हो रही है बेलगाम के लिए, मैं चाहूंगा कि हम लोग एक बार तालियां बजा के अपनी जो क्या कहते हैं अपनी जो शुभेच्छा है उसे दें। तो मैं बहुत खुश हूँ, एक स्टाइलिश फिल्म हम लोगों के बीच में बनने जा रही है। विद्यान जी की मैंने काम देखा हुआ है, उन्होंने जो गुल मकई ने जो काम किया है, फिल्म थोड़ी स्टाइलिश है, तो मैं यही चाहूँगा कि भोजपुरी में हम लोग एक स्टाइलिश फिल्म बनाएं। और इसका सब्जेक्ट मैंने सुना है बहुत ही अच्छा है, और एक लीग से हट के फिल्म सोची गई है, और ऐसी फिल्मों का बनना भी भोजपुरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस फिल्म में अभिषेक मेन लीड कर रहे हैं, उनके साथ मैं हूँ, और जो गंदे काम करने का जो क्या बोलते हैं हमेशा से ठीकरा मिलता है वो हमारे प्रभु जी हैं, यहाँ पे अवधेश जी हैं, देव सिंह हैं यहाँ पे, और संजय जी अभी तक आए नहीं हैं, तो संजय जी हैं इस फिल्म में। तो एक पावर पैक्ड पूरा स्टार कास्ट है फिल्म में, और हम लोग चाहेंगे कि एक वैसी ही पावर पैक्ड स्टाइलिश फिल्म बन के आप लोगों के सामने आए। मेरा पुराना रूप तो एक ही है, बुरा खलचरित्र, इसमें भी खलचरित्र है। अच्छा, इसलिए लड़की मेरे बाजू एक सीट छोड़ के उधर बैठी हुई, और दो हीरो एक लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गाने में तो आपकी दहशत कितनी होगी? प्यार है, ये प्यार है, दूरी से ही प्यार बढ़ता है, नजदीकी से नहीं बढ़ता है। तो बहुत ही मैंने बता दूं कि ये फिल्म शायद इनकी वजह से करा, हमारे डायरेक्टर साहब ने ऐसे कुछ बातें रखी थी, इतने मुझे अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े कम ऐसे सेंसेबल डायरेक्टर होते हैं जिनकी बातें इतनी प्रभावशाली हो कि कोई भी एक्टर मजबूर हो जाए कि मुझे करना ही है। और यहाँ एक अभिनेता के रूप में मैं चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्मों से जुड़ना निश्चित तौर पर सौभाग्य की बात है, जहाँ हमारे कर्म को देखा जाता है, बाकी चीज़ें नज़रअंदाज की। एक चीज़ में काम अच्छे काम करने की उम्मीद में इस फिल्म से जुड़ा हूँ, और मुझे विश्वास है कि मेरे से डायरेक्टर साहब अच्छा काम करवा लेंगे। कैरेक्टर्स भी जितने हैं इसमें परफॉर्मर्स हैं, आदित्य जी हों, अभिषेक जी हों, संजय जी हों, देव पांडे जी हों, मैं भी हूँ, तो जो है इसमें परफॉर्मर्स हैं, और परफॉर्मर्स को लेकर के बहुत कम फिल्में बनती हैं, एक्टरों को लेकर बन जाती है फिल्में, लेकिन मेरे ख्याल से एक्टर और परफॉर्मर में थोड़ा तो अंतर है। ये फिल्म पूरी तरह से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है, मेकिंग इसकी स्ट्रॉन्ग होगी इतना भरोसा है। प्रोड्यूसर साहब से मैं आज पहली बार मिला हूँ, इनके बारे में सुना था हमारे अभिषेक जी और डायरेक्टर साहब की जुबान से, उम्मीद है एक अच्छी फिल्म का हिस्सा हम लोग बनने जा रहे हैं आगे, तो गॉड इज ग्रेट। संजय पांडे जी के साथ जी अच्छी दोस्त है उनकी, आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, आप बताएंगे नहीं? बताने के आप लोगों ने देखा ही है, मैंने काफी गाने किए आदित्य जी के साथ, संजय जी के साथ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। और हालांकि अभी रिसेंटली सब ये इतनी कंफर्टेबल हो जाती हैं कि ये अनकंफर्टेबल नहीं, सबसे पहली बात तो अभी सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, डांस के अलावा अवधे जी ने, आदित्य जी ने, मेरा अभी एक्टिंग जो फिल्म आया था उसके लिए भी मुझे काफी सपोर्ट किया है। और स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं अवधेश जी के साथ इतने गाने कर चुकी हूँ कि अभी वाकई ऐसा लगता है फैमिली है, जब भी उनको देखते हो। हाँ, कुछ चीजें होती है जो जज्बात में इंसान कुछ बोल जाता है, लेकिन बहुत सोच समझ के अपनी बातों को करते हैं। एक बार इनका झगड़ा हो गया, इनकी भाई पहले से काम कर रहे थे, और हमें ये फिल्म बनाने के लिए सबसे ज्यादा फोर्स किया था आदित्य भैया ने जी, क्योंकि हम लोग जब आदित्य भैया से ऐसे बात कर रहे थे, ये टॉपिक पे बात किया हमने, तो आदित्य भैया ने बोला कि इसको एक अच्छा स्टोरी का रूप देके हम लोग इस पे काम करते हैं। और उस समय ही हम लोगों ने सोच लिया था कि किसको किसको लेना है। उस समय मतलब निगेटिव के लिए हमने अवधेश भैया को सोच लिया था कि इनको ये जो मेन निगेटिव है अवधेश भैया से कराएंगे हम लोग, और हर चीज हमने सोच के प्रॉपर प्लान के साथ किया था। बिल्कुल, ये है बेलगाम पंडित जैसा नाम है, वैसे स्क्रिप्ट है। मुझे बहुत अभी टाइम तो भोजपुरी सिनेमा में अच्छे रोल्स करते हुए नहीं हुआ है, लेकिन मैं अच्छी स्क्रिप्ट के चक्कर में रहता हूँ, जहाँ भी अच्छी स्क्रिप्ट आए पहले उधर छलांग मारूँ। दोनों भाई जैसे यंग हैं, जैसे डायनामिक हैं, और जितने पैशनेट हैं,
कि स्क्रिप्ट वैसे ही कमाल थी। भाई ने मेरे को कहानी सुनाई, इन्होंने मेरे को बताई, तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। क्या है, भोजपुरी सिनेमा में अब हमारी जितनी हैसियत है, जितना हम कर सकते हैं उतनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी फिल्में करें। सलाम बोलिए, जोर से बोलिए। अभी जैसे अभिजीत जी ने बात कही कि इंडस्ट्री अभी मुड़ रही है जी, अच्छी तरफ मुड़ रही है, काफ़ी बीच में दौर भी आया था, तो वी आर फ्रॉम, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कई बार ये चीज़ें सुनने में भी हमें अच्छा नहीं लगता। और हम काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बॉलीवुड में, तो क्यों ना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों पर आगे बढ़ें। तो इन चीज़ों को सोच कर, चाहे आप यूपी जाए चाहे बिहार जाए, क्राइम के रेट में सबसे आगे जाता है ये चीज़ें, तो उसी को बेस रख के हमने एक कंटेंट ऐसा क्रिएट किया कि एक अच्छे लेवल पे हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये अभिषेक है, इनका कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को डेवलप किया हमने मिलके, काफ़ी वक्त दिया हमने इस स्टोरी पे। एक से डेढ़ साल हमने मुंबई छोड़ दिया। ये फिल्म शुरू हो रही है अक्टूबर से, आजमगढ़ में हम शूट कर रहे हैं, और आप मे बी जनवरी तक आप इस फिल्म को थिएटर में देख पाएंगे। यानी जस्ट मैं थोड़ा सा वन लाइनर में आप लोगों को बताना चाहूँ, तो एक जनरल हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स क्रिमिनल बनाने में सबसे बड़ा भूमिका निभाता है पॉलिटिक्स, और उसमें यूज़ होने वाले हैं यूथ जो भटक जाते हैं इन चीज़ों में, तो इससे बिलोंग करने वाली चीज़ें हैं ये। तो कई बार हम अगर मुसीबत में फंसते हैं तो रास्ता ये नहीं है कि हम भ्रष्टाचार को ज्वाइन कर लें, तो ये एक मैसेज भी है, बहुत बड़ा मैसेज भी है कि अगर पॉलिटिक्स एक अच्छे के लिए बना था, बट पॉलिटिक्स क्या कर रहा है आज, काफ़ी आपका क्रिएट करता जा रहा है गुंडे वगैरह, तो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है। सारी चीज़ें तो मैं बता नहीं सकता डिटेल्स। मोस्ट जीनियस, मतलब अभी का जनरेशन का जीनियस डायरेक्टर सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाएगा ये फिल्म, और पूरी उम्मीद है मुझे कि बहुत अच्छी बनेगी, पूरी उम्मीद करता हूँ। सर ये जीनियस काम किया है, मेरे इसी करंट प्रोजेक्ट में काम किया था, कुल में पहले से कई सालों से जानता हूँ कि हर काम में माहिर है, कंपोजिटिंग आता है इसे, एनिमेशन का नॉलेज है, स्क्रीन पे अच्छा करता है, डायरेक्शन अच्छा करता है, पूरी उम्मीद है कि अच्छा करेंगे, अच्छे से बनाएंगे। सर इंडस्ट्री खूब बोल रहे हैं क्योंकि हम स्वेट वैली दिखा रहे हैं, स्वेट वैली दिखा रहे हैं, मतलब उनका जो भाषा है पश्तूनी है, अरबिक है, फारसी है, हम जो एक्टर्स कास्ट कर रहे हैं वो हिंदू है, हमारा क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, उसकी तलफ़ुज अलग है, तो प्रॉपर इन्होंने ट्रेनर रखा, एक एक चीज़ गाइडेड हुई है, अनगाइडेड कुछ नहीं होता, सुन के लगेगा कि हाँ वहीं के लोग बोल रहे हैं, इवन मलाला यूसुफ़ज़ई जो बोल रही है कमाल बोल रही है, पश्तू और हिंदी हुआ। और अभिषेक एक अच्छा सब्जेक्ट लेकर आ रहा है भोजपुरी में, कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको लेकर हम काफ़ी उत्साहित है कि हम इस चीज़ को अच्छे से करें और उसको अच्छे से प्रेजेंट करें, इसलिए हमने अच्छे अच्छे चेहरे कास्ट किए, जैसे हमारे जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं काफ़ी फिल्में कर चुके हैं, तो ये हमारे साथ एक अच्छा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, जो एक्टर प्ले कर रहे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप इनसे भी जान सकते हैं फिल्म के बारे में इनकी क्या चीज़ें हैं। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे गुलमकई, अभिजीत और विज्ञान जी मुझे वहीं मिले, तो अच्छी फिल्म रही और काफ़ी चीज़ें चर्चा होती थी हम लोग की फिल्मों के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं सारी, तो फिर इनका एक बार जैसे इन्होंने अपना मतलब फिल्म स्टार्ट किया, तो उसके बारे में डिस्कस किया, फिर अभिषेक जी ने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई, मतलब स्टोरी इतनी पसंद आई कि मैंने तुरंत होके बोल दिया कि जो भी है आप फटाफट स्टार्ट करो, और इस कास्ट के लिए मतलब मैं पैसे नहीं दूंगा करोगे करते हैं ना, आपको अच्छी न्यूज 50 दे दो पैसे एक ना दे, करोगे आप काम नहीं, देखो आदमी को चूज ही होना चाहिए अपने काम के लिए, आदमी को वही काम करना चाहिए जो उसे पसंद आता है, जो उसे दिल को छूता है, लेकिन एक बड़ी सच्ची चीज है, एक बड़ी सच्ची चीज है कि always charge for something जिसमें आप अच्छे हो, मतलब don't do it for free। basically मैं casting किया इनकी, जब मैंने story direction करी सब कुछ करा, तो basically अभी एक नीम की मुखिया में जब पुण्य का character play कर रहे हैं, जो काफी popular show चल रहा है स्टार भारत में, so उसके बाद हमने इनसे dates वगैरह की बात की, तो ये बोले कि manageable है, because जो story है मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई है, exactly हमारे बिहार हमारे भोजपुरी से जुड़ी हुई है, तो हम जरूर करना चाहेंगे, तो ये अपने डेज को मैनेज करके हमारे साथ कर रहे हैं, तो जो अच्छे हो
तो उसको फ्री में मत करो, क्योंकि लोगों को फिर उसकी आदत हो जाती है, लोग बोला रहे तो मामा वाली फिल्म नहीं की ये वाली फिल्म। मेरे मामा की फिल्म में भी आप थे उधर। चलो मामा की फिल्म आइए, मामा की फिल्म में करेंगे यार कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ पे मुझे स्टोरी बहुत अच्छी आई, मेरे भाई ने स्टोरी लिखा, जानता हूँ मैं अभिषेक को अच्छे से, साजिद को बहुत पहले से जानता हूँ मैं, साजिद मेरा दोस्त है। सो अच्छी स्टोरी है, काफी अच्छी स्टोरी है। दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम बॉलीवुड जॉनरा, बॉलीवुड से सॉरी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चीज़ें चलती हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है, तो मुझे पसंद है। अब लेट्स सी कहाँ तक आगे चीज़ें जाती हैं, कहाँ तक आगे।